दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक मजबूत टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होता है तो दर्शकों का रोमांच सातवें आसमान को छू जाता है और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच बहुत ही शानदार रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला होता है। इस साल भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार नहीं बल्कि दो दो बार आमने सामने होगी। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से किस खिलाड़ी को बेहतर बल्लेबाज मानते हैं आप? इसका जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच पिछली बार जब मुकाबला हुआ था तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था। उस मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा था जिसको पाकिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 10 विकेट से अपने नाम कर लिया था। अब भारतीय टीम को पाकिस्तान से इस बड़ी हार का बदला लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले कब और कहां होने वाले हैं। दोस्तों ये दोनों टीमें इस बार वर्ल्ड कप में तो आपस में भिड़ेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों टीमों की टक्कर एक बार फिर एशिया कप में होने वाली है। हम आपको बता दें कि इस साल एशिया कप 22 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में होगा। ये एशिया कप श्रीलंका में होने वाला है, लेकिन श्रीलंका में स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है। वहां पर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाएगा। अगर श्रीलंका इसकी मेजबानी नहीं कर पाता है तो फिर ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित कराना पड़ेगा। इस बार एशिया कप T20 के फॉर्मेट में होने वाला है तो इससे साफ है कि भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में मुकाबला हाई वोल्टेज का होने वाला है। पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में मुकाबला हुआ था तो हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग करते करते क्रैश हो गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शक भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप 2022 में भिड़ने वाली है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के बीच हर बार मुकाबला खेला जाता है। ICC इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखती है जिसके कारण इन दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस साल T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से खेला जाएगा, लेकिन इसमें शुरुआत के मुकाबले भारत की टीम के नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत का पहला मुकाबला ही ICC ने पाकिस्तान की टीम के विरुद्ध रखा है। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में 23 अक्टूबर को इस T20 वर्ल्ड कप में मुकाबले खेले जाएंगे। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्तान को हरा कर अपनी पिछली हार का बदला लेने की होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया जा रहा है। 6 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ICC के इवेंट का होस्ट करने का मौका दिया गया। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में होने वाला ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 23 अक्टूबर को ये मुकाबला 1:30 बजे से मेलबर्न के मैदान पर शुरू होगा। और अगर आप इस मुकाबले को पूरी तरह से लाइव देखना चाहते हैं तो आप स्टार स्पोर्ट्स के सभी नेटवर्क और डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों ये था भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में होने वाले मुकाबले के लिए पूरा लाइव अपडेट। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 वाली हार का बदला इस बार वर्ल्ड कप में होने वाले मुकाबले में ले पाएगी या फिर नहीं? क्या भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान की टीम को हरा सके? दोस्तों इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का सपना वेस्ट इंडीज पर होने वाला है जीत दर्ज करने का। जी हां, आपको बता दें कि कैरेबियन टीम से टक्कर लेने के लिए शिखर धवन की अगुवाई में भारत वेस्ट इंडीज से 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला में टक्कर लेगा और इसका पहला मुकाबला बेहद ही हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जाने वाला ये एक दिवसीय मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, उसे जानने के लिए हम आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर DD स्पोर्ट्स पर भारतीय फैंस वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकेंगे। दरअसल भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा 22 जुलाई से 7 अगस्त तक होने वाला है। अब 15 जुलाई के बाद ऐसा होने जा रहा है कि DD स्पोर्ट्स पर भारत के किसी भी विदेशी सीरीज का प्रसारण होगा। इससे पहले अप्रैल 2021 में फैन कोड ने क्रिकेट वेस्टइंडीज के साथ 4 साल का करार किया था। हालांकि ये डिजिटल के लिए था। फैन कोड साल 2024 तक कैरेबियन देश में तकरीबन 150 इंटरनेशनल और 250 डोमेस्टिक क्रिकेट का लाइव प्रसारण करेगा। भारत और वेस्टइंडीज सीरीज के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर किया जाएगा। दरअसल ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल
टेलीविजन दर्शक भारत के वेस्टइंडीज दौरे से ना चुके फैन कोर्ट ने डीडी स्पोर्ट्स को डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के लिए टीवी अधिकारों की पेशकश की है। प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल ने कहा, भारत क्रिकेट खेल और मनोरंजन में हमेशा से आगे रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में भी टेलीविजन पर स्पोर्ट्स उपभोग के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार और दर्शक बने हुए हैं और हम पश्चिम के आगामी भारत दौरे को लेकर खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि जबकि फैन कोड खेल प्रशंसकों के लिए अद्वितीय डिजिटल अनुभव का निर्माण कर रहा है, डीडी स्पोर्ट्स के अधिकारों के विस्तार का मतलब श्रृंखला को सभी खेल प्रशंसकों तक पहुंचाना होगा। तो वहीं अगर हम पहले एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो ये त्रिनिदाद में खेला जाएगा। क्वींस पार्क ओवल के स्टेडियम में टीम इंडिया किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी और भारतीय टीम के नए कप्तान शिखर धवन होंगे और वो खुद को साबित करना चाहेंगे। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पहले मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरेगी, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत इस दौरे में शामिल नहीं है। ऐसे में नए खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिलना तय है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला पहला एक दिवसीय मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा कोई भी क्रिकेट प्रशंसक नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में आप इस मुकाबले का मजा फ्री में डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, अगर वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो वहां भारतीय टीम को चुनौती देने के लिए कप्तान निकोलस बूरन, रोमन पावेल और काइन मेयर जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले अपने दम पर पूरा मुकाबला पलटने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जाने वाले एक दिवसीय मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप शिखर धवन को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जा रही है, जहां वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम ने एक अभ्यास मुकाबला खेला, जिसको देख विरोधी टीम भी दंग रह गई। और आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले की क्या है पूरी हाईलाइट और इस रोमांचक मुकाबले की पूरी डिटेल और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल में कौन है सलामी बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज से एक अभ्यास मुकाबला खेला, जहां वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ भारतीय टीम अपने लगातार जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरी। जी हां, जहां पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर अभ्यास करते हुए भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन ने करी, तो वहीं विरोधी टीम की कप्तानी निकोलस पूरन ने करी। और सबसे पहले शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर आई और वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग करने के लिए शाई होप और ब्रैडन किंग मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत करी और दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करने लगे, जिसमें पहली ही गेंद पर ब्रैडन किंग ने छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह के अरमानों को ठंडा कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी करी और लगातार 3 ओवर में एक भी रन नहीं दिया और दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार प्रत्येक ओवर में एक चौका शाई होप और ब्रैडन किंग लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दोनों के बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको बता दें कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों के साथ खेल रही है। लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जैसे ही यजुवेंद्र चहल आए, तो एक ओवर में पहले दोनों बल्लेबाजों से एक एक छक्का खाया और उसके बाद दोनों बल्लेबाजों को कर दिया आउट। जी हां, जिसमें से दोनों बल्लेबाजों ने 40-40 रन की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों में साई होप ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं ब्रैडन किंग ने 2 चौके और 4 छक्के लगा दिए। और दोस्तों, दोनों बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए और दोनों बल्लेबाजों को यजुवेंद्र चहल ने गूगली पर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए ब्रूक्स और रोमन पॉवेल मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और 30 ओवर तक अपनी टीम को 150 रन तक पहुंचाने का कार्य कर दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में लगे हुए थे, लेकिन एक बार फिर से शिखर धवन ने बेहतरीन कप्तानी का प्रयोग करते हुए अपने चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से बुला लिया और यजुवेंद्र चहल ने अपने ओवर में ब्रूक्स को 68 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद गुगली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। तो वहीं